सुकूक की एक और अहम किस्म सलम सुकूक हैं सलम इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं इन सुकूक का मकसद सलम कैपिटल को मोबलईज करना या के सलम कैपिटल जमा करना होता है ताकि उससे आप कोई चीज खरीद सकें और फिर उसके बाद आप उस चीज को मुनाफे पे बेच सकें सलम सुकूक समझने से पहले हमें सलम कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा कि सलम ट्रांजैक्शन या कि सलम कॉन्ट्रैक्ट क्या है सलम एक ऐसा सेल ट्रांजैक्शन है कि जिसमें कोई चीज डेफर्ड डिलीवरी बेसिस पे खरीदी जाती है यानी इसका मतलब यह है कि आप सेलर को उसकी जो अमाउंट है उसकी जो प्राइस है वो इन एडवांस दे देते हैं और वो उसकी डिलीवरी फ्यूचर में मुस्कबिल में किसी स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफाइड टाइम पे वो डिलीवरी आपको देता है फर्ज करें कि अगर आपको शुगर की जरूरत है एक ह्यूज क्वांटिटी में या कि आपको वीट की जरूरत है जो कि आपका ख्याल ये है कि हार्वेस्टिंग के वक्त आपको मिले तो आप सेलर को फार्मर को कल्टीवेटर को या प्रोड्यूसर को आप उसके साथ सलम का मॉयदा करते हैं उसे आप एडवांस में वो प्राइस उसे दे देते हैं आम तौर पर ये प्राइस जो कम होती है ताकि जब आपको डिलीवरी मिले तो आप रीजनेबल प्रॉफिट के साथ उस चीज को जो बेच सकें तो पेमेंट एडवांस में की जाती है और जो कमोडिटी है कमाडिटी ऑफ सलम उसकी डिलीवरी फ्यूचर में होती है तीन माह के बाद छह माह के बाद या जो भी टाइम आप उसे स्पेसिफाई करते हैं सलम सुकूक का मफहम यह है कि अगर आपको किसी सलम कमोडिटी को खरीदने की जरूरत है और जिसके बारे में आप यह समझते हैं कि यह कमोडिटी एक मुनासिब मुनाफे पे फरोख्त हो सकती है तो उस सूरत में आप उस कैपिटल को जमा करने के लिए या के उसके लिए फंड्स रेस करने के लिए आप सलम सु जारी करते हैं आम तौर पर जो इशअर ऑफ सलम सकूक है वो तो सेलर है यानी एक ऐसी पार्टी के जिसे फौरी तौर पर पैसों की जरूरत है वो इन पैसों की उसे अपनी वर्किंग कैपिटल या के अपनी लिक्विडिटी की उसे रिक्वायरमेंट है किसी भी मकसद के लिए उसे जो पैसों की जरूरत है तो वो पार्टी एक आम ऑफर देती है कि अगर आप मुझसे ये गंदम ये चावल या ये शुगर खरीद लें ये मैं आपको एक डिस्काउंटेड रेट पर सेल करता हूं तीन माह के बाद या छह माह के बाद मैं आपको फ्राह्म करूंगा तो आप इसे एक मुनासिब मुनाफे के साथ आप उसे बेच सकते हैं ये एक प्रोस्पेक्टस के जरिए भी हो सकता है एक ऑफर के जरिए भी ये इस तरीके से ये इशुएंस ऑफ सुकूक हो सकता है उसके बाद ये सेलर सेलिंग पार्टी के जिसे के अभी पैसे की जरूरत है सेलर वो सुकूक जारी करता है और जो पार्टीज इन सुकूक को खरीदती हैं वो गोया के इन्वेस्टर्स हैं वो सलम कमोडिटी के बायर हैं यानी गोया के वो उस पार्टी से उस कमोडिटी को खरीदेंगे और फिर खरीदने के बाद यानी उसे एडवांस में ये जो मोबिलाइज कैपिटल है जो कि इशुअस ऑफ सुकू के, के जरिए हुआ है ये कैपिटल उस सेलर को फ्राहम कर देंगे तीन या चार माह के बाद या के जो भी एग्रीमेंट के मुताबिक जो डेट जिस तारीख का तयन किया गया उस वक्त वो उस कमोडिटी को डिलीवर करेगा और ये इन्वेस्टर्स फिर उसके बाद मुनाफे के साथ उस चीज को बेच सकते हैं एक मिसाल हम इस मिसाल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर एक शुगर मिल को दस मिलियन रुपीस की अभी जरूरत है इस पैसे से उसने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी है यूटिलिटी बिल्स देने हैं या अपनी कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो कि पूरी करनी है और या ये भी मुमकिन है कि वो उन पैसों को फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ शुगर वो उन्हें जो इस्तेमाल करें वो इस मकसद के लिए वो एक ऑफर दे सकता है प्रोस्पेक्टस के जरिए या के किसी और जरिए से वो ये ऑफर दे सकता है कि मैं शुगर एक डिस्काउंटेड रेट पे सेल करने के लिए तैयार हूं यानी कि अगर मार्केट में उसकी प्राइस एक हजार रुपये है तो मैं आठ सौ रुपये या कि सात सौ रुपये मन के हिसाब से मैं बेचने के लिए तैयार हूं और जो लोग इसे खरीदें वो मुनाफे के साथ उसे बाद में बेच सकते हैं और एक मुनासिब मुनाफा इससे कमा सकते हैं इस ऑफर के नतीजे में अब इस रकम को हासिल करने के लिए वो सुकूक इशू करता है जो पार्टीज इन सुकूक को खरीदती हैं, यानी जिन्हें हम सु, सुकूक होल्डर्स कहते हैं या वो दर हकीकत इन्वेस्टर्स हैं। और वो बायर्स ऑफ दी कमोडिटी कि यानी गोया के वो इस वक्त उस कमोडिटी को वो खरीद रहे हैं ये कमोडिटी उन्हें तीन या चार माह के बाद या स्पेसिफाइड डेट उन्हें मिलेगी और फिर उसके बाद मुनाफे के साथ वो उसे सेल कर सकते हैं तो इस तरीके से हम उसे अब सेल करने का तरीका यह भी हो सकता है कि ये इन्वेस्टर्स उसी पार्टी को यानी कि जो सेलर है ये शुगर मिल है उसी को ये कहें कि तुम ये शुगर मुनाफे के साथ तुम इसे सेल कर दो और ये बड़ी वाजी सी बात है कि आपने एक चीज डिस्काउंटेड रेट पर खरीदी है तो शुरू ही से ये अमर यकीनी है कि आपको इस पर एक मुनासिब मुनाफा मिलेगा तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक सलम कमोडिटी को फाइनेंस करने के लिए जो सुकूक जारी किए जाते हैं वो उन्हें हम सलम सुकूक कहते हैं